आप इस समय ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव रंगरोटी खेड़ा से, और जैसा कि आप कैप्शन पढ़ ही चुके हैं कि अमनप्रीत कौर के समर्थन में दिलबाग सिंह लाडी का धुआंधार जो है प्रचार चला हुआ है, और यहां पर बच्चे भी बूढ़े भी और जवान भी जो है प्रोग्राम में शामिल हैं, और अमनप्रीत कौर वार्ड 24 से जिला प्रसिद्ध प्रत्याशी हैं, और उनका जो प्रचार प्रसार है बिल्कुल अब तेज गति जो है पकड़ चुका है, और दिलबाग सिंह लाडी यहां पर पहुंचे हैं गांव रंगरोटी खेड़ा में। अब उन इसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से प्रचार प्रसार चला हुआ है और किस स्थिति में इस समय वो खड़े हैं। दिलबाग सिंह लाडी है जो प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप मीडिया बंद होगा यहाँ पहुँचने पर गाँव रंगरोटी खेड़े में, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आज हम रविदास गुरु रविदास मंदिर में खड़े हैं, गुरु रविदास महाराज की जय। और साथ में मेरे अवतार सिंह जी सरपंच रंगरोटी खेड़ा, और भी गणमान्य व्यक्ति हमारे गांव से भी आए हुए हैं, किधर हमारे ताऊ जी सभी खड़े हुए हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा जो कवरेज कर रहे हैं आप भी काफ़ी दिनों से, कि जिला परिषद वार्ड नंबर 24 से अमनप्रीत कौर भारी मतों से विजयी हो रही है। एक तरफा माहौल है इनका, आपने देखा भी होगा हर गांव में आप प्रचार कर रहे हैं, जैसे कोई विधानसभा का इलेक्शन हो सभी छत्ती बिरादरी भाईचारे का हमें समर्थन मिल रहा है। तो अमनप्रीत कौर प्रतिनिधि मनदीप सिंह बाजवा राणा भारी मतों से बिजी होंगे, सभी बिरादरियों का इतना भरपूर समर्थन है कि वो कह रहे हैं कि अब की बार आपको ही मौका मिलेगा और आपको हम भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। रंगरोटी खेड़े गाँव से हमें बहुत आस है, रंगरोटी खेड़े गाँव में भी एक तरफा माहौल है। हमारे साथ अवतार सिंह सरपंच जी हैं जो काफ़ी दिनों से हमारे साथ दिन रात एक प्रचार कर रहे हैं, इन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि आपको यहाँ लीड में हम यहाँ से जिताकर भेजेंगे और भारी मतों से आपको यहाँ समर्थन मिलेगा। तो मैं गाँव वासियों का, अवतार जी सरपंच जी का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। छत्ती बरादरी भाईचारा यहाँ खड़ा है कि बहुत ज़्यादा भरपूर समर्थन मिल रहा है, और अब प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है, तो एक तरफा माहौल बना हुआ है। लाडी जी, किन मुद्दों को लेकर के ग्राउंड पे उतरे हो जिससे कि आपको ये लगता है कि एक तरफा जीत हासिल हो? देखिए, मुद्दे बहुत हैं, गाँव की बहुत समस्या होती है, इतने साल हो गए हरियाणा बने हुए को, अभी भी गाँव की वैसे की वैसी समस्या है। इनकी गाँव की समस्या एक जोड़ की निकासी की होती है, जो बहुत ही दिक्कत जो परेशानी होती है जब ओवरफ्लो होते हैं बारिशों के दिनों में, तो उसमें गंदगी फैलती है नालियों में, बच्चे बीमार होते हैं। तो एक तो वो समस्या को दूर किया जाएगा, उसकी चार दीवारी और निकासी का काम, बाकी जो गलियां नालियां हैं उनका भी बुरा हाल है, और एक गांव की जो फिरनियां हैं उनका भी बुरा हाल है, उनको पक्का करवाएंगे। तो एक हमने और कहा था कि जो फिरनी है उसके ऊपर लाइटिंग का, पेड़ पौधियों की व्यवस्था की जाएगी, गांव के अंदर चौपालों का निर्माण करवाया जाएगा, जो डिस्पेंसरी हैं उनका दुरुस्त कराया जाएगा, जो छोटे स्कूल हैं यहाँ प्राइमरी या बड़े स्कूल हैं उनकी हालत काफ़ी खस्ता है, उनको ठीक करवाया जाएगा, पक्का कराया जाएगा। हमारी बेटियां की जो बच्चियां जाती हैं स्कूलों में, शौचालय नहीं होते स्कूलों में, और भी कई समस्याएं हैं, जैसी बेटियों के लिए सिलाई सेंटर, और हमारे जो युवा हैं उनके लिए स्टेडियम बने हुए हैं कई गांव में, उनकी मरम्मत नहीं है, रख रखाव नहीं है, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको हम लेकर चल रहे हैं। और अमनप्रीत कौर प्रतिनिधि मनदीप सिंह बाजवा, इनको एक बार सेवा का मौका दें, इन्होंने कहा है कि ये सभी समस्याएं जैसा भी हुआ हमें सरकार के साथ चलकर, सरकार जो भी हमें देगी ग्रांट देगी जो भी, उस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको करवाने का काम करेंगे। लाडी जी, आज कितने गांवों का आपने दौरा किया जी? आज हम सुबह गांव रडाणा में गए थे, उसके बाद हमारी एक टीम गांव फपड़ाना में लगी हुई है, दूसरी टीम गांव पोपड़ा में लगी हुई है, डोर टू डोर प्रचार चल रहा है। तो मैं अभी गाँव रंगरोटी खेड़े में आया हूँ, यहाँ भी हमारे जोर शोर से प्रचार चल रहा है, सभी छत्ती बरादरी भाईचारा साथ है, और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, इतना भारी समर्थन जो हमें मिल रहा है, ये भारी मतों से अमनप्रीत कौर जीत रही हैं। आज आप पहुंचे हैं, लग भी रहा है कि प्रोग्राम ज्यादा भी होंगे। हाँ जी, हाँ जी, अब और प्रचार आपको पता है कि दो दिन रह गए हैं जी, जी। तो अब ज्यादा तेज प्रचार चल रहा है कि इसके बाद हमें दपेटी जाना है, जबाड़ा के हैं, जोली खेड़ा में प्रोग्राम है, और भी गाँव में हमने कबूलपुर खेड़े भी हमने जाना है, कि प्रचार प्रसार के टाइम पे हम पहुँच नहीं रहे, हम जब भी प्रोग्राम होता है उससे एक दो घंटा लेट हो रहे हैं, इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, इतना एक तरफा समर्थन मिल रहा है। लाडी जी, किससे फाइट मान रहे हैं या एक तरफा जीत हो? देखिए, हमारी किसी से कोई फाइट नहीं है, हम एक तरफा जीत रहे हैं, हमारे मुकाबले में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। 9 तारीख को चुनाव है, क्या अपील करना चाहोगे? मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूँ कि 9 तारीख को मटके के सामने वाला बटन दबाकर अमनप्रीत कौर प्रतिनिधि मनदीप सिंह बाजवा को भारी मतों से विजयी बनाएं, अपना आशीर्वाद दें और एक बार सेवा का मौका दें। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया का बार प्रकट करता हूँ जो हमारे गांव में आज पहुँचे हैं, और उनके साथ साथ हम अपने अमनप्रीत बाजवा के जो साथी हैं, जो टीम है हमारे गांव में पहुँची है, डोर टू डोर भी किया है और ये आ भी रहे हैं,
मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और गाँव वासियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो कि इनको बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। और हम आशा रख रहे हैं कि हम यहाँ से मनप्रीत बाजवा को बूथ जिताकर भेजेंगे। ये देखिए समर्थन यहाँ गांव रंगरोटी खेड़ा के जो निवर्तमान सरपंच हैं उनके द्वारा समर्थन जताया गया है कि बड़े भारी समर्थन से उनके साथ लगकर के वो उनको बूथ पर जिताकर भेजेंगे। दिलबाग सिंह लाडी यहाँ पर पहुँचे थे और चुनाव प्रचार प्रसार जिला प्रसिद्ध और ब्लॉक समिति की वोटें जो हैं 9 तारीख को डाली जाएंगी और जोरों पर है और दिलबाग सिंह लाडी यहाँ पर पहुँचे थे। और ये लाइव प्रोग्राम आपने असंध हलचल हरियाणा की लाइव कवरेज देखी। बने रहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए असंध हलचल हरियाणा न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।